बीजेपी कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने बताया कि सवाईमाधोपुर में तकरीबन सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने बताया कि सवाईमाधोपुर नगर परिषद एवं श्रम विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि गरीब मजदूर लोगों के कोई काम बिना लेन देन के नहीं किए जाते हैं। भाजपा कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिलवाने, वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को दिलवाने, श्रम विभाग में सरकार की तरफ से लड़के की शादी में दिए जाने वाली राशि समय पर दिलवाने, आलनपुर में फर्जी पट्टे बनाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्यवाही करने, बिजली विभाग में चल रही बिजली अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने, सीमेंट फैक्ट्री साहूनगर में बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलवाने आदि की ज्ञापन के जरिए मांग की है। चार है कि चारों तरफ गंदगी का आरंभ है, चारों तरफ अवैध जमीनों पे फर्जी पट्टे बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले ही गुलाब बाग के पास जो जमीनों पे कब्जे हुए हैं वो शोरपुर पंचायत समिति के पट्टों के आधार पे नगर परिषद ने उन पट्टों को बहाल कर दिया। कलेक्टर साहब, जो भ्रष्टाचार नगर परिषद, श्रम विभाग और अन्य विभागों में हो रहा है उस पर रोक लगाते हुए गरीबों के साथ न्याय करने की कृपा करें। यह जय भारत। माधोपुर में भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका है, इसकी शिकायत हमने कई बार कर दी, ऊपर तक कर दी, कोई भी कार्रवाई है तक कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ना नगर परिषद का है, नगर परिषद में भ्रष्टाचार इस कदर लिप्त है, गरीबों की कोई सुन रहा नहीं है। आलनपुर के फर्जी पट्टों के आधार पे न उनके पट्टे बनाए जा रहे हैं, जबकि शिकायत कर देते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरा है श्रम विभाग का, तो राजस्थान सरकार की तरफ से गरीब मजदूरों के बच्चियों की शादी के लिए 55,000 रुपये और शिक्षा के लिए कौशल उसके लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन उनके गरीब आदमियों का कोई भी फाइल पास नहीं हो रही। जो पैसा देता मोटा नजर आना है ना, उसकी फाइलें पास हो रही है बिजली विभाग के लिए। और बिजली विभाग के अंदर एक केचर आया हुआ है जो किसी की भी नहीं सुनता, घर बैठ के इसके मनमानी कर रहा है। वो मीटर चेक करने आता नहीं है, घर से क्या लोग कैसे बिल अनाप शनाप भेज रहा है। उसकी शिकायत से उससे ना RSB वाले लोग भी है ना परेशान चल रहे हैं। ये सारे मुद्दों को लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं।